here we have a rent scheme, जो यहाँ पर इसका लॉन्च हुआ है और ये फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर रेंट स्कीम यहाँ पर लॉन्च हुआ है और उद्यान शक्ति वो भी अभी यहाँ पर लॉन्च हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और यहाँ पर इनोग्रेशन हुआ गोमती सिटी गैस प्रोजेक्ट वेस्ट त्रिपुरा बेम्बो मैट क्लस्टर का भी यहाँ पर इनोग्रेशन हुआ और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा कम जानता हूँ एमएसएमई, लेकिन जितना भी जानता हूँ मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बात करूंगा यहाँ पर। तो मेरा पास जो अभी इंफॉर्मेशन है पीएमईजीपी जो टोटल सपोर्ट इज ओवर 400 करोड़ त्रिपुरा में फॉर 17,000 यूनिट इन लास्ट 4 ईयर्स, ये बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पर राणे साहब जी बोल रहे थे हमारे यूनियन मिनिस्टर जी, त्रिपुरा में ऐसा एक्चुअली कल्चर था ही नहीं। बहुत पहले हम लोग बचपन में हम लोग देखे थे, हमारा खुद का भी छोटा मोटा इस तरह बहुत सारे इस तरह इंडस्ट्री यहाँ पर काफी हद तक यहाँ पर डेवलप था, लेकिन 35 ईयर्स का राज जो यहाँ पर चला है जिंदाबाद जिंदाबाद ये सुन सुन कर काम पर किया है और उसके कारण जो मालिक मैं खुद देखा हूँ ये इंडस्ट्री पर ये लोग कोशिश ही नहीं किए और धीरे धीरे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया है। मैं खुद देखा हूँ बहुत सारे उनका जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप में इजी रहता है, बाहर से लाना है बेचना है, बैठे रहते हैं कब आएगा कस्टमर, लेकिन इससे फायदा नहीं होता है। जो जीडीपी का अभी यहाँ पर बात हो रहा है यहाँ पर इसलिए हुआ है 1 लाख था 2016-17 में और अभी हम लोग 1 लाख करीब करीब 30,000 जीडीपी हुआ त्रिपुरा का और बीच में हमारा गवर्नमेंट जो 2018 में यहाँ पर प्रतिष्ठित हुए तब से अभी बीच में आप देखिए 2 साल तो हम कोविड के कारण बहुत मुश्किल हुआ, ये नहीं कह रहे हैं कि कोविड के कारण ये हुआ है, लेकिन ये जो कल्चर बहुत दिन से यहाँ पर चल रहा है इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। 35 ईयर्स कम नहीं है, तो कल्चर से हम धीरे धीरे इतना साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं त्रिपुरा का भी जीत भी बारे और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ जो आने वाला दिन आ रहे हैं श्रेष्ठ त्रिपुरा का जो नारा हम लोग दे रहे हैं वो जरूर हमारा यूनियन मिनिस्टर साहब जी बोले बोले हैं यहाँ पर कम से कम 2.5 लाख होना चाहिए, उससे ज्यादा भी होना चाहिए, मैं निश्चित हूँ ये होना ही होगा। और हमने त्रिपुरा का मेन जो यहाँ पर आप बता सकते हैं यहाँ का जीडीपी टोटल डिपेंड कर रहा है जो हमारा कृषक भाई बंधु है इनके ऊपर और करीब करीब यहाँ पर 44% हम लोग इसके ऊपर कृषि जो एग्रीकल्चर उसका प्रोडक्ट उसी के ऊपर हॉर्टिकल्चर हो तो इसी के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है और 26% त्रिपुरा को जमीन जो है ये कल्टीवेशन के लिए ये तैयार है, बाकी यहाँ पर जंगल है पहाड़ है तो ये सब जानते हुए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको कैसे उपयोग करें और उससे भी हम लोगों का जीडीपी बढ़ सकता है और उस दिशा पर हम लोग काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा यहाँ पर हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर अभी हम लोग प्राइस दे चुके हैं 6-7 आदमी को यहाँ पर एंटरप्रेनर है बहुत है। मैंने सरकार के तरफ से कैसे उनको हेल्प करे एस एच जी ग्रुप जो 16-17 जो हमारा पास हमारा बहन और माता जी है इनको हमने देखा पहले 2016-17 का भी ये डाटा अगर हम ले उससे अभी कम से कम 10 गुना बढ़ गया सभी जगह। उसके बाद ग्रुप जो होता है एसएचजी ग्रुप और ये लोग इनका भी ग्रुप जो है 10 गुना से 11 गुना हो गया और बैंक टीआरएलएम और सरकार की तरफ से जिस तरह हम लोग का फंडिंग दे
रिवॉल्विंग फंड से शुरू करके लोन, तो इससे भी काफी 12-13 गुण बढ़ गया। तो ये जो प्रोस्पेक्ट है त्रिपुरा का, मैं कंफर्म हूं ये आने वाले दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। टाइम कम मिला है, लेकिन जिस दिशा पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह अष्टलक्ष्मी कहते हैं, ये 8 प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर जी बोल रहे थे, ये उन्होंने हमेशा ये सोचते हैं, हम लोग देखते हैं न्यूज पेपर में एक्टिस पॉलिसी जो कह रहे हैं, हमारा ये चीज यहाँ पर बात हो चुका है। और इस तरह यहाँ पर इतना ध्यान दे रहे हैं उन्होंने, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं जब तक नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक इंडिया भी डेवलप।